दोस्तों हमारी जो वेल्डिंग का प्रोसेस होता है उसमें कई तरह के जॉइंट को लगाया जाता है और आज हम बात करने वाले हैं। वैसे तो हम ईडी के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में, और हम इसकी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं ताकि आप अच्छी तरह सीख पाएँ। तो आज हम बात करने वाले हैं डबल रिवेटेड लेप जॉइंट का। तो लेप जॉइंट क्या होता है मैं आपको बता दूँ। मान लो कोई प्लेट है और उसके, तो हम आपको बता दें कि हमारी जो प्लेट है और उसके ऊपर हम दूसरी प्लेट रख देते हैं। अब इन दोनों प्लेट को जोड़ने के लिए जो हम इनके ऊपर रिवेट लगाएंगे उसको हम कहते हैं लेप जॉइंट विथ रिवेट्स। तो हम बात करने वाले हैं सिंगल रिवेट जॉइंट में क्या होता है। मान लो हमने प्लेट रखी, दूसरी प्लेट यहाँ रख दी, अब उसके ऊपर हमने जॉइंट लगा दिए, जितनी भी लंबी प्लेट होगी उतनी लंबी, उसको बोलते हैं सिंगल रिवेटेड लेप जॉइंट। लेप जॉइंट क्यों? क्योंकि एक ऊपर एक रख दी तो ये लेप जॉइंट हो गया। अगर हम इसके बगल में लगा देते तो ये हमारा होता बट जॉइंट, ये हमारा तो बट जॉइंट, ये होता है लेप जॉइंट। एक के ऊपर एक को रखना लेप जॉइंट कहलाता है। अब लेप जॉइंट जो होता है वो दो प्लेट के बीच में भी हो सकता है, तीन प्लेट के बीच में भी हो सकता है लेप जॉइंट, उसको बोलेंगे हम थ्री प्लेटेड लेप जॉइंट। इसको बोलते हैं डबल प्लेटेड लेप जॉइंट विथ डबल रिवेट्स। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आपको किस तरह से बनाना है और इसका डायग्राम किस तरह से होता है आज हम हमारी इस वीडियो में आपको यही चीज़ समझाने वाले हैं। तो दोस्तों आपको मैंने पहली वीडियो के अंदर बता दिया कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से बता दूं, आज हम डबल प्लेट रिवेट जॉइंट बनाने वाले हैं कि डबल रिवेट का लेप जॉइंट कैसे बनता है। लेप जॉइंट दोस्तों हम उसको कहते हैं जिस पर एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रख दी जाती है, उसको हम कहते हैं लेप जॉइंट, क्योंकि हमने इसको इस पर लेप कर दिया। तो जिस तरह से अगर हम इस पेज को देखें हमारे, तो हमारा जो ये पेज है और ये दूसरे वाले पेज के ऊपर रखा हुआ है, तो ये हमारा लेप हो गया, तो ये लेप जॉइंट है। अब हम इसके यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर रिवेट लगा देंगे तो रिवेट हो गया। अब हम क्या करते हैं, आज हम बताने वाले हैं आपको कि डबल प्लेट रिवेट जॉइंट कैसा लगता है, तो उसको डायग्राम में कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी शीट बना लेते हैं। तो शीट हमारी कैसे बनेगी, शीट बनाने का सिंपल तरीका है। सबसे पहले कि हम लाइन खींच लेते हैं, ये हमारी पहली शीट हुई, जो कि ये जो लाइन है ये बता रही है कि ये सीट हमारी यहाँ से ऊपर तक है, और ये वाली लाइन बता रही है कि ये सीट हमारी यहाँ से नीचे तक, लेकिन हम ज़्यादा लंबा नहीं बना रहे हैं। और हम यहाँ से यही हम पीछे कर सकते हैं, ये शो कर रहा है कि ये प्लेट हमारी पीछे तक है, लेकिन हमने एक थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा लेकर वो बनाया है। अब ये हो गई इस वाली सीट, अब हम बनाते हैं ये वाली साइड की सीट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा लंबा बना लेते हैं। तो लंबा कैसे बनेगा, तो उसके लिए हम आपको बता दें ये सीट इससे थोड़ी सी बड़ी बना देंगे, जिससे हमको लगे कि ये बड़ी सीट है, इससे थोड़ी लंबी सीट है। और अब हम इसको भी वैसे सेम वैसे करके बना देते हैं। यहाँ से ये यह हमें शो कर रहा है कि हमारी सीट जो है यहाँ तक लंबी है। अब हम बात करते हैं कि रिवेट कैसे लगाएंगे अब इसके अंदर। अब हमारी ये पहली सीट हो गई, ये पहली सीट, ये दूसरी सीट, ये दो सीट हो गई। अब हम बात करते हैं इसको रिवेट लगाने, क्योंकि हम दोनों हमको ये सीट को रिवेट से ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट करने के लिए हम यहाँ बात करने वाले डबल रिवेटेड ज्वाइंट की। तो रिवेट का ज्वाइंट करने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पर एक रिवेट बना देते हैं। ये पहला रिवेट, दूसरा रिवेट, तीसरा रिवेट, ये सिंगल रिवेट ज्वाइंट हो गया। अब हमें डबल करना है तो हम यहाँ पर भी सेम वैसे कर देंगे। पहला रिवेट, दूसरा रिवेट, ये तीसरा रिवेट, ये तीन रिवेट हो गए। अब हम इन सबको एक लाइन में लगा देते हैं। ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, दो रिपीट हो गए। अब हम ये तो हमारा हो गया टॉप व्यू, अब हमें बनाना है साइड व्यू, ये साइड से कैसे दिखेगा। तो अब हम उसके बारे में बात करने वाले कि साइड से हमारा कैसे दिखेगा। यहाँ पर ये सीट हमारी यहाँ तक है और यहाँ तक ही हमारी ख़त्म नहीं हुई। अब हम इसको डॉट में दिखा देते हैं कि इसके नीचे हमारी सीट है, ये हमने डॉट में दिखा दिया कि इसके नीचे हमारी सीट है। डबल रिवेट जॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, डबल रिवेट, डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। डबल रिवेटेड लैप जॉइंट ये हो गया हमारा। अब हम बात करने वाले हैं कि इस वाले, ये वाले और ये वाला रिवेट किस तरह से दिखेगा, ये हमारी प्लेटें कैसे दिखेंगी और रिवेट किस तरह से दिखेगा, अब हम वो बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक प्लेट बना लेंगे कोई सी भी,
ये प्लेट हमारी यहाँ पर खत्म हुई थी, यहाँ से ये प्लेट हमारी यहाँ खत्म हुई थी ना, तो ये हो गई हमारी पहली प्लेट, इसको बिल्कुल ठीक कर लेते हैं, ये हो गया। अब इस तरह जिगजैग कर देंगे, इसका मतलब ये प्लेट हमारी आगे तक जा रही है। ये पहली प्लेट, दूसरी प्लेट हमारी यहाँ खत्म हुई थी यहाँ पर, तो हम दूसरी प्लेट यहाँ बना देते हैं। ये प्लेट यहाँ से हमारी आगे तक जा रही है, ये वाली प्लेट हमारी, ये प्लेट है, ये वाली प्लेट, ऊपर वाली प्लेट। अब हम इसको ऐसे ऐसे मार्किंग कर देते हैं, ये हो गया। अब बात करते हैं रिवेट की, रिवेट कैसे दिखेगा, तो रिवेट को दिखाने के लिए लिए हमारा जो रिवेट है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये हो गया, अब हम इसका यहाँ से हेड बना देते हैं, यहाँ से और यहाँ से। तो ये रिवेट हमारा इस तरह से दिखेगा, यहाँ का रिवेट भी कुछ ऐसा ही दिखेगा। यहाँ से हेड बना देते हैं, यहाँ से हेड बना देते हैं, ये हमारा रिवेट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइज की। तो इसका साइज जो है इस वाली प्लेट का और इस वाली प्लेट का, इन दोनों के बीच का साइज होता है 2 PR बराबर 2D। 2D मतलब 2 डिस, 2 डिस। और यहाँ से हमारे रिवेट का जो सेंटर होता है, यहाँ से लेके इसका साइज होता है, इसको हम लिख देते हैं 1.5D। और इस वाली प्लेट से भी, इस वाले रिवेट के सेंटर का साइज, इसको भी लिख सकते हैं 1.5D। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हम डबल रिवेटेड लैप जॉइंट बनाते हैं। तो ये बनाने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने डबल रिवेटेड लैप जॉइंट किस तरह से बनाया और उसको किस तरह से डायग्राम में बताया। तो दोस्तों हमने जो ऐसे करके तिरछी लाइनें बनाई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हमने जो लाइनें बनाई हैं, ये वाली और ये वाली, ये जो लाइनें हैं ये हमें दर्शा रही है कि ये प्लेट यहीं पर ही खत्म नहीं हुई है, इसके आगे भी चल रही है। ये काफी लंबी लंबी प्लेटें होती है, उनको जोड़ने के लिए चद्दर जो होती है लोहे की, उनको जोड़ने के लिए ऐसा जॉइंट लगाया जाता है, इसको लेप जॉइंट इसलिए बोला है। मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था कि एक के ऊपर एक प्लेट रखी हुई है, उसके बाद ही हमने रिवेट लगाए, ये रिवेट दो लाइनों में लगे हुए हैं, इसलिए इसको डबल रिवेटेड रिवेटेड लेप जॉइंट कहते हैं। तो दोस्तों आपको जानकर अच्छा लगा होगा कि किस तरह से डबल रिवेटेड लेप जॉइंट हम बना सकते हैं और इसका डायग्राम किस तरह से होता है। मैंने आपको सिंपल तरीके बता दिया, इसके साइज ही बता दिए कि 0.15D होता है और दोनों का होता है PR = 2D, ये सब होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबा दें।